सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1 देख रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल किंग ऑफ ड्रीम 11 की लिंक मिल जाएगी, जाके आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप टॉस के बाद आपको टीम ग्रैंड लीग स्मॉल इंड हेड टू हेड की टीम प्रोवाइड करा दी जाती है, जहाँ पर आप अच्छी खासी यहाँ से विनिंग कर सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पर माई फाइव इलेवन में 25,000 रुपये का गिवअवे दिया गया है। जो भी डाउनलोड नहीं किया है माई फाइव इलेवन तो जाके डाउनलोड कर लो। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ है 2,500 रुपीज़, तो जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लो। यहाँ पे कॉन्टेस्ट कोड, यदि डाउनलोड आपने किया है तो कॉन्टेस्ट कोड डाल दीजिएगा। अब इंट्री फाइव इंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बोनस आप ये रेफर कोड जरूर डालिएगा, तभी यहाँ पे आपको 100 रुपये बोनस मिलेगा और हमारे आप बन जाओगे पार्ट ऑफ फैमिली, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ वीडियो पे बता देता हूँ, और यहाँ पे आपको विजन 21 यहाँ पे जीतना बहुत ही आसान है। काफ़ी कुछ इस चैनल पे मिल जाएगा आपको, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीमें मिल जाएंगी, कैसी टीमें बनानी है। कल यहाँ ये टीम हमारी ग्रैंड लीग परफॉर्मेंस दी है, और जो हेड टू हेड हेड टू थ्री में परफॉर्मेंस ये टीम आप देख लो कि 100% क्लीन स्वीप किया है। जी हाँ फ्रेंड, क्लीन स्वीप किया है और अच्छी खासी लोगों ने यहाँ से विनिंग उठाई है। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। ये पिच रिपोर्ट क्या है? बैलेंस पिच है, पेसर के लिए मदद मिल रही है, और इस पिच के टॉप स्कोरर बल्लेबाज जो है मैथ्यू वेड हैं। पिछले मैच 58 रन, फर्स्ट मैच में स्ट्राइक रेट आप दे सकते हो। शिखर धवन है 52 रन, हार्दिक पांड्या है 42 रन, विराट कोहली है 40, एरन फिंच 37 और स्मिथ हैं, दो मैच खेले यहाँ पे 23 का एवरेज है। तो यहाँ पर 23 का भी एवरेज बहुत ही सही जाता है। यहाँ पे बॉलिंग पे आप बात कर लेते हैं तो कौन से स्ट्राइक रेट इकॉनमी रेट से आप यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है, जो टी नटराजन है कल एक मैच खेले थे, पिछला मैच जो खेले थे सेकंड T20 वहाँ पे एक मैच खेले, 2 विकेट लिए। एंड्रयू ट्राई हैं, एम स्वेप्सन है, ठीक है, युधवेंद्र चहल हैं, संदूर ठाकुर हैं, एडम जंपा हैं। तो वहाँ पे जो मोस्टली ग्रैंड लीग और हेड टू हेड में आपको टीम लेके जानी है, एडम जंपा का यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार है। मतलब 2 मैच में सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट पाए हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यदि आप हेड टू हेड पे खेल रहे हो तो एडम जंपा की जगह आप एंड्रयू ट्राई के साथ चले जाएगा, या फिर आपको एम स्वेप्सन के साथ चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकॉनमी रेट भी इनकी कम है, और यहाँ पे नहीं तो आप सरदू ठाकुर के साथ चले जाएंगे, क्योंकि ये विकेट टेकर बॉलर है तो हमेशा विकेट निकाल के देगा। तो ये हो गए टॉप फैंटेसी पिक आज के मैच के लिए। विकेट बैट्समैन में आपको वेट्स ले जाना है, धवन ले जाना है, ऑलराउंडर में पांड्या, विराट कोहली, फिंच, स्मिथ। आज फिंच का खेलना यहाँ पे 50-50% है, और यदि फिंच खेलते हैं तो डी आर शॉर्ट की जगह आएंगे। टॉस के बाद कौन सी टीम टॉप 11 पे आएगी वो मैं आपको टॉस के बाद टीम अपडेट करा दूंगा। इसलिए बोलता हूँ कि यार जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये पिछले मैच की तरह आज का मैच भी सिडनी ग्राउंड में है, और यहाँ पे आपको बता दूँ लास्ट के 7 T20 मैचेस पे फर्स्ट बैटिंग जो किया है वो लॉस में किया है। चेसिंग टीम जो की है, 5 चेसिंग टीम ने जीत विन की है और 2 ने फर्स्ट बैटिंग ने विन की है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे चेस करना बहुत ही आसान है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहा है इसका 164 का रहा है, तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है आज भी इस ग्राउंड पे। तो आइए चलते हैं फिंच का रिकॉर्ड दिखा देते हैं। हेड टू हेड में 14 मुकाबले में यहाँ पे 31 की एवरेज से 440 रन मारे हैं, 5 मैचेस पे लगातार दे सकते हो। यहाँ पे मैथ्यू वेड्स के बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, पिछले मैच में आपने देख ही चुका है, हेड टू हेड पर 6 मैच पे 132 रन। ओपनर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं फिंच की जगह, या फिर डी आर शॉर्ट खेलते हैं तो वो आ जाएंगे। डी आर शॉर्ट का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो यदि फिंच खेलते हो तो फिंच के साथ चले जाएगा, नहीं तो आप डी आर शॉर्ट के साथ चले जाएंगे, जैसा कि एक बैटिंग पिच है, ठीक है। यहाँ पे स्मिथ का भी इस पिच पे रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, तो आपने पिछले मैच पे देख लिया। बाकी इस ग्राउंड के अलावा यदि स्मिथ को आप बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि स्मिथ का रिकॉर्ड यहाँ पे हेड टू हेड पे 12 का एवरेज बनता है इनका, ठीक है। मतलब उस नैने खेल नहीं रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल 14 मैच में 355 रन, लेकिन हेड टू हेड अभी इस T20 सीरीज में इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, ना बॉलिंग पे अच्छा हाथ बैठा पा रहे हैं, ना बैटिंग पे इनकी लग साथ दे रहा है। मैन हेनरिस 4 मैच में 112 रन, बहुत ही अच्छा एवरेज है इनका, 3 विकेट भी लेके चुके हैं जो अपने फर्स्ट T20 मैचेस पे इन्होंने लिया था, तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। सेम अवॉट है, विकेट नहीं पाते, मिथिल स्टॉक ये बाहर ही हो गया। डेनियल सैम पिछले मैच पे 1 विकेट निकाला, 4 ओवर में 36 रन के करीब दिया। जॉस हेजलवुड शायद ही मैच खेले, और हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड भी सही नहीं है,
ठीक है। एडम जंपर है 27 ओवर में 7 विकेट लिया है। एम स्वेडन है हेड टू हेड पे, यहाँ पे 2 ओवर में 1 विकेट, 21 का एवरेज, तो ये आप बहुत ही अच्छा है। एडम जंपर से ज़्यादा बेस्ट रहेंगे यहाँ पे स्विप्सन, तो आप यदि ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो जंपर की जगह आप इन्हीं को लेके जाएँ, ठीक है। यहाँ पे आप प्लेइंग 11 की बात करते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड इंडिया के बैट्समैन पे तो 6 मैच पे 175 रन 35 की एवरेज है। शिखर धवन 12 मैचेस पे 267 रन 26 की एवरेज है। विराट कोहली 59 की एवरेज है। एक ग्रैंड लीगर है, हेड टू हेड में कैप्टन चॉइस बेस्ट रहने वाले हैं आज के मैच के लिए। तो आज को बता दूँ, आज केएल राहुल को वाइस कैप्टन आप रख सकते हैं, कैप्टनसी जो होगी वो आज विराट कोहली को आप दीजिएगा हेड टू हेड पे, तो एक अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। सी एस अय्यर हैं, आज का मैच खेल सकते हैं। संजू सैमसन भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया, इनका भी एक मैच पे 23 रन मारे हैं, तो अच्छा रिकॉर्ड है। हार्दिक पांड्या है 7 मैच पे 41 रन 6 विकेट, और आपको बता दूँ पिछले मैच में यहाँ पे बहुत ही 40 प्लस का स्कोर किया था, तो 8 मैच में यहाँ पे 82 रन के करीब हो गया, क्योंकि बैटिंग इंडिया की मजबूत है इसलिए इनके बैटिंग नहीं आती, लेकिन बॉलिंग से ज़रूर हाथ दिखाते हैं, ठीक है। टी नटराजन है 4 ओवर में 3 विकेट, और यहाँ पे आपको बता दूँ अपने यहाँ पे हेड टू हेड टी ट्वेंटी मुकाबले में अपने 2 मैच में 5 विकेट निकाल चुके हैं, और इस ग्राउंड में एक मैच पे 2 विकेट निकाले, तो बहुत ही अच्छा ये रहेंगे। दीपक चहर 4 ओवर किए हैं, 1 विकेट लिए हैं, एक अच्छे रहेंगे। विद्वेन चहल हेड टू हेड पे रिकॉर्ड इनका अच्छा नहीं रहा है, आपके बात करूँ कि टी ट्वेंटी पे, ठीक है। मोहम्मद शमी विकेट नहीं निकालते हेड टू हेड पे, पिछले मैच खेले थे विकेट नहीं निकाला, ठीक है। 7 इनिंग है यहाँ पे, जॉस हेजलवुड खेलते नहीं। एडम जंपर जरूर यहाँ पे विकेट लेके जाते हैं, वह विराट कोहली का। एरोन फिंच ले जाते कुलदीप यादव जो मैच नहीं खेल रहा है। युद्धवेंद्र चहल ले जाते ग्लेन मैक्सवेल का। चेस हैज़ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, तो 69 रन मारे 28 बॉल पे, लेकिन 2 बार आउट भी किया है। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस बुमराह जो मैच नहीं खेल रहा है, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे स्मॉल लीग पे आपको टीम इन्वेस्टमेंट करना है पैसे, तो वो है 1-11 ऐप, क्योंकि यहाँ पे जीतना है बहुत ही आसान और जीतने के हाई चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे यदि आप हर एक मेरा रेफर कोड डालोगे 100 रुपये बोनस मिलेगा, और वो बोनस एवरी लीग में आप ज्वाइन के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है। जो भी डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लो, यहाँ पर जीतना है बहुत ही आसान, ठीक है। यहाँ पर टीम फ्रेंड यहाँ पे स्मॉल लीग की जो मैंने टीम बनाई है आप दे सकते हो, यदि टीम चेंजेस नहीं होते, यदि होते हैं तो डी आर शॉर्ट की जगह आप फिंच के साथ चले जाइएगा। पांड्या को लिया है मैन हेनरिस को मैंने यहाँ पे पिक किया है। एम स्विफ्टन को लिया जो लगातार 2 ओवर में 1 विकेट, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। युद्धवेंद्र चहल है, टी नटराजन है, तो इनके साथ आप चले जाइएगा। कैप्टन मैंने विराट कोहली को वाइस कैप्टन मैट वेट को बनाया है, ठीक है, एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। ग्रैंड लीग की आप टीम दिखा देता हूँ। फ्रेंड ग्रैंड लीग खेलना तो ओनली फॉर ड्रीम इलेवन पे खेलो, क्योंकि 49 रुपीज में यही एक ऐप है जो 1 करोड़ रुपए देता है, लेकिन आप स्मॉल लीग और हेड टू हेड खेल रहे हो तो सबसे अच्छा ऐप है वो है 1-11 और My5-11। आप वहाँ पे मनी इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ पे जीतने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं और आप अच्छी विनिंग आप कर सकते हो। तो ये मेरी रहेगी यहाँ पे, आप ग्रैंड लीग की टीम कुछ रहने वाली है कुछ इस टाइप की, तो ये मेरी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, थोड़ी रिस्क की टीम रहेगी। शिखर धवन के साथ भी कैप्टनसी जा सकते हो, ठीक है। इस पिच में स्मिथ ने भी अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए मैं इनके साथ गया, नहीं तो मैं स्मिथ को अदर ग्राउंड पे होता तो मैं स्मिथ के साथ मत जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हेड टू हेड पे जो रहेंगे हमारे मैथ्यू वेट्स रहेंगे, फिर विराट कोहली रहेंगे, डी आर शॉर्ट, पूर एडम जंपा के साथ जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, हेड टू हेड के लिए अच्छे रहेंगे। तो हेड टू हेड के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन कुछ ऐसे रहने वाले हैं, ठीक है। एक ग्रैंड लीग की जो टीम रहने वाली है कुछ इस टाइप की भी ग्रैंड लीग की टीम रहने वाली है, शिखर धवन और स्मिथ, ठीक है। आप चाहो तो मैथ्यू वेट्स के साथ जा सकते हो, तो एक अच्छी टीम रहने वाली है। आप वाइस कैप्टन चाहो तो टी नटराजन के साथ जा सकते हो, एक अच्छे एक यहाँ पे एक T20 मैच पे 2 विकेट निकाले हैं, तो एक अच्छे पिक रहने वाले ग्रैंड लीग के लिए कैप्टनसी एवं वाइस कैप्टनसी का। तो टी नटराजन के साथ भी आप जा सकते हो, एक अच्छे पिक रहेंगे। हार्दिक पांड्या भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन जो रहेंगे टी आर शॉर्ट रह सकते हैं, जो एवरेज रहने वाले हैं तो आप इन्हें मत लेके जाएँ। राहुल हैं, वेट्स हैं, शिखर धवन है, कोहली हैं, और यहाँ पे टी नटराजन है, ठीक है। तो ये रहेंगे ग्रैंड लीग की टीम के कैप्टनसी एवं वाइस कैप्टनसी। यदि टॉस के बाद कोई भी टीम अपडेट करती है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, जिससे और भी इन्फॉर्मेशन आपको ला के दे सकूँ, जिससे आप ग्रैंड लीग विन कर सको। थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।